तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमें हमारे चैनल को मोनेटाइज करने के लिए चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम। 1000 सब्सक्राइबर एक टफ टास्क है माना, लेकिन उससे भी टफ टास्क है 4000 घंटे का वॉच टाइम। कई सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके 1000 सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन 4000 घंटे का वॉच टाइम वो कंप्लीट नहीं कर पाते। और कई सारे क्रिएटर इन्हीं 4000 घंटे को पूरा करने के लिए अलग अलग तौर तरीके आजमाते हैं, जस्ट लाइक वो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। हमारे अंदर से ये होता है कि यार 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए और मैं अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूं, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उससे मुझे रेवेन्यू मिलता रहे और साथ ही साथ यूट्यूब पर काम करने का मोटिवेशन भी बना रहे। इस वीडियो में ना तो मैं आपको कोई ट्रिक बताऊंगा और ना ही ये बताऊंगा कि आपको गूगल एड्स के थ्रू अपने चैनल को प्रमोट करके अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर सकते हो, और ना ही किसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। प्रैक्टिकल जो तरीका होता है वॉच टाइम कंप्लीट करने का, उसके बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, तीन तरीके होते हैं जिससे कि किसी भी यूट्यूब क्रिएटर का 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है। पहला तरीका यह कि धीरे धीरे उसके चैनल की ग्रोथ हो और उसका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके चैनल पर अभी 20-30 व्यूज पर वीडियो पर आते हैं, अगले महीने आपके चैनल की थोड़ी और ग्रोथ हुई और आपके पर वीडियो पर 100-200 व्यूज आने लगते हैं, अगले महीने आपकी थोड़ी और ग्रोथ हुई और आपके पर वीडियो पर 400-500 व्यूज आने लगते हैं, अगले महीने आपके चैनल की थोड़ी और ग्रोथ हुई और आपके पर वीडियो पर 1000-2000 व्यूज आने लगते हैं, फिर थोड़ी और ग्रोथ होती है और आपके पर वीडियो पर 5-10 हज़ार व्यूज आने लगते हैं, और इतने व्यूज पर आराम से वॉच टाइम कंप्लीट हो ही जाता है अगर आपके पर वीडियो पर 5-10 हज़ार व्यूज आते हैं। तो एक तो ये तरीका होता है जिससे कि किसी का चैनल ग्रो होता है और उसका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो ही जाता है। दूसरा तरीका ये कि एकदम से आपके चैनल पर कोई वीडियो वायरल हो जाए और उसी एक वीडियो की वजह से आपके पूरे चैनल का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आपके किसी वीडियो पर 10-15 व्यूज आते हैं, किसी पर 100-200 व्यूज आते हैं, किसी पर 50-60 व्यूज आते हैं, लेकिन उनमें से एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है और उसी वीडियो के थ्रू आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। ये था दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका जिससे कि मेरे दीपक दया चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ था, जैसा कि हमने पहले पॉइंट में बात की कि आपके चैनल पर धीरे धीरे ग्रोथ होती है, यानी कि 30-40 व्यूज, 100-200 व्यूज, 300-400 व्यूज, 500-600, 1000-2000, 5-10 हज़ार व्यूज, इस तरह से आपके चैनल पर व्यूज आने लगते हैं, यानी कि आपका जो कंटेंट है उसमें दम है। अगर इतने व्यूज आपके आ रहे हैं तो अगर आपके 1000 व्यूज भी पर वीडियो पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना, पर वीडियो पर अगर आपके 1000 व्यूज आ रहे हैं तो समझ जाओ कि आपके कंटेंट में दम है। और इसके बाद आपकी एक वीडियो वायरल निकल जाती है और उसी के थ्रू आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है। अब हर क्रिएटर के लिए इनमें से अलग अलग तरीका काम करता है, लेकिन इन तीनों में से जेन्युइन और रियल ग्रोथ जो होती है वो होती है तीसरे तरीके से। क्यों होती है तीसरे तरीके से? तीसरे तरीके में आपके पास एक व्यूज बेस होता है, यानी आपके पास कुछ ऑडियंस होती है जो आपकी हर वीडियो को देख रही है, यानी कि आपके कंटेंट में दम है। और जब आपके कंटेंट में दम होता है और अगर आपकी कोई वीडियो वायरल होती है तो उस वायरल वीडियो की वजह से आपके चैनल पर कई सारे सब्सक्राइबर्स गेन होते हैं और आपके पास होता है क्वालिटी कंटेंट न्यू ऑडियंस को देने के लिए। तो न्यू ऑडियंस जब आपके चैनल पर आएगी और आपके क्वालिटी कंटेंट को देखेगी तो वो भी आपकी रेगुलर व्यूअर्स बन जाएगी, और इस तरह से आपकी होती है रियल ग्रोथ और आपका बनता है एक पर्सनल ब्रांड। अब सवाल यह आता है कि पहले और दूसरे तरीके में क्या प्रॉब्लम थी? देखो, पहले तरीके में ग्रोथ तो हो रही थी, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ग्रोथ हो रही थी, यानी कि आपके पर वीडियो पर पहले 30-40 व्यूज, फिर 100-200, 300-400, 500-600, 1000-2000, इस तरह से व्यूज आ रहे थे। लेकिन अगर आपको अपने चैनल को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना है तो आपकी किसी ना किसी एक वीडियो को वायरल होना बहुत जरूरी है। और दूसरे तरीके में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके चैनल पर एक व्यूज बेस नहीं बना हुआ है, यानी कि आपके कॉन्टेंट में दम नहीं है और आपकी एक जो वीडियो वायरल हुई है वो तुक्के में वायरल हुई है और आपको यह नहीं पता है कि उस वायरल वीडियो की वजह से जो सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं, आपके चैनल पर नई जो ऑडियंस आने वाली है उन्हें हैंडल कैसे किया जाए। लेकिन तीसरे तरीके में आपके पास में क्वालिटी कंटेंट होता है न्यू ऑडियंस को देने के लिए। तो सबसे पहले आपको फोकस करना होगा एक नॉर्मल व्यूज बेस बनाने पर, यानी कुछ ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो आपके हर वीडियो को देख रही है। अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि आपके कंटेंट में दम है। और उसके बाद आपको फोकस करना है किसी एक वीडियो को बहुत ज्यादा वायरल करने पर, तब आपकी होती है असली जेन्युइन रियल ग्रोथ और आपका बनता है एक पर्सनल ब्रांड। तो ओवरऑल इस वीडियो से ये सीख मिलती है कि हमें वॉच टाइम पर तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है क्वालिटी कंटेंट देकर एक व्यूज बेस बनाने पर। और मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद आप सबको ये बताना है कि किसी भी एप्लीकेशन और किसी भी ट्रिक के थ्रू ना तो आपका चैनल ग्रो होगा और ना ही आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो प्रैक्टिकल तरीका यही है कि ज़्यादा व्यूज आएंगे तो ज़्यादा वॉच टाइम आएगा। आपको फालतू की वीडियोज़ को देखने की जरूरत नहीं है 4000 घंटे वॉच टाइम को कैसे कंप्लीट करें। मैंने यूट्यूब पर कई सारी सर्च की तो वहाँ पर फालतू की ट्रिक्स किसी एप्लीकेशन के थ्रू, गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करने को कह रहे हैं, सब बकवास है। रियल जो प्रैक्टिकल ग्रोथ जो होती है ना चैनल की, वो इसी तरह से होती है, मैंने जो आपको तीसरे तरीके में आपको बताया है। अब मैंने यहाँ पर आप सबको ये तो कह दिया कि ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो ज़्यादा वॉच टाइम आएगा, लेकिन सवाल यह आता है कि ज्यादा व्यूज कैसे लाएं? तो मैं पूरी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने की, तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप जानना चाहते हो कि अपने यूट्यूब चैनल को प्रैक्टिकल वे में ग्रो कैसे करें तो मेरे इस वीडियो को देखें, और अगर आपके अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए तो मेरे इस वीडियो को देखें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।